Warm hello to all the learners of Mathematic Math Adda. और न्यूमेरिकल एनालिसिस के न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ. दो वीडियोज़ हमने किए हैं अभी तक, जिसमें हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने क्वाड्रेचर फॉर्मूला, कोट्स फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, और लास्ट वीडियो हमने किया था ट्रेपेजॉइडल रूल का. हमने पूरे फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था क्वाड्रेचर फॉर्मूले का यूज़ करके. तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो ट्रेपेजॉइडल रूल के जो न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ. एक क्वेश्चन को ही अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है. ध्यान से इस वीडियो को देखिए. डिवाइडिंग द रेंज इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल बाई ट्रेपेजॉइडल रूल. कुछ चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है आपको. एक तो ये कि क्वेश्चन में या तो मेंशन होगा कि डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल इनटू 10 पार्ट्स, 12 पार्ट्स, 8 पार्ट्स. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है वो नहीं लिखे. अगर वो नहीं लिख रहा है तो आप क्या करना है, आपको एटलीस्ट 8 पार्ट्स में तो उसको डिवाइड करना ही करना है. मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ट्रेपेजॉइडल. आगे कैसे हम सिम्पसन्स में करेंगे उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं. सिर्फ ट्रेपेजॉइडल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो एटलीस्ट 8 पार्ट्स करिए. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल से जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स आप करेंगे आपका आंसर एक्यूरेट आने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं. चांसेस बोल रहा हूँ, फिर भी एक्यूरेट नहीं आएगा. तो अगर आप क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्ट्स अगर मेंशन नहीं है तो उस केस में आपको एटलीस्ट 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना ही है. 8 पार्ट्स से जितना आप ज़्यादा डिवाइड करना चाहें वो कर सकते हैं. तो ये बात हो गई ट्रेपेजॉइडल रूल का, आपको कैसे अप्लाई करना है. अब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं. देखिए, अगर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, h निकालेंगे, कितने कितने का गैप करना है. और उसको निकालने के लिए बड़ा ईजी है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और जितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हो 10, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 10. इसका मतलब क्या है कि आपको जो जो हमने डेरिवेशन में देखा था कि हमने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था इक्वल, उसका जो साइज़ है, उसका जो गैप है वो पाई बाई 10 है. तो यहाँ हम अब टेबल बनाएंगे और टेबल की हेल्प से फिर उसके बाद फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे. तो यहाँ x की वैल्यू और यहाँ एफ एक्स या y इक्वल टू एफ एक्स. एफ एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स. देखिए अब कैसे हमको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखनी है उसको देखिए. सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जीरो. साइन जीरो तो जीरो ही होता है. फिर जीरो प्लस एच पाई बाई 10, साइन पाई बाई 10. फिर क्या करेंगे, टू पाई बाई 10. फिर थ्री पाई बाई 10, फोर पाई बाई 10, फाइव पाई बाई 10. इस तरीके से आपको पाई बाई 10 उसमें ऐड करते रहना है और आपको तब तक ऐड करते रहना है जब तक आपको हायर लिमिट में आप ना पहुंच जाओ, पाई तक ना पहुंच जाओ. 6 पाई बाई 10, 7 पाई बाई 10, 8 पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10 और 10 पाई बाई 10 क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा. तो ये आपको इस तरीके से टेबल फॉर्म करनी है. जितने का आपको गैप करना है वो h निकालना है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. और लोअर लिमिट में आप उसको साइज़ जो h है, जो गैप है, क्लास साइज जो बोलते हैं हम, उसको आप ऐड करते रहिए और आप तब तक ऐड करते रहिए जब तक आपको हायर लिमिट नहीं मिल जाती है. तो ये आपकी टेबल फॉर्म हो जाएगी. अब क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है नॉन प्रोग्रामेबल वो अलाउड होता है इसमें, तो आप साइन पाई बाई 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें. तो मैं ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ले रहा हूँ. फर्स्ट वैल्यू है 0.3090, आप वैल्यूज़ मैच कर लीजिए. 0.5878 सेकेंड वैल्यू. फिर है 0.8090, सब आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है. फिर है 0.9511, फिर 5 पाई बाई 10 यानी कि पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है. फिर 0.9511, देन 0.8
8090 वैल्यूज़ कुछ कुछ रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, बार बार वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। 0.5878 0.5878 नेक्स्ट वैल्यू 0.3090 0.3090 एंड साइन पाई इज 0। ये आपको टेबल फॉर्म कर लेनी है। आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको टेबल कैसे फॉर्म करनी है, कैसे आपको उसका गैप निकालना है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग अब ट्रेपेजॉइडल रूल का हम फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या था, जो लिमिट है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जो मल्टीप्लीकेशन था वो था एच। मल्टीप्लीकेशन के साथ आप चाहें तो इन वैल्यूज़ की नेमिंग भी कर सकते हैं। ये वाई नॉट आपने ले ली, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स वाई सेवन वाई एट वाई नाइन और वाई टेन। एच आपको बताया था पहली और लास्ट वैल्यू का हाफ आ रहा था, पहली वैल्यू वाई जीरो वाई टेन, जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट वैल्यू मिलेगी अपॉन टू, और बाकी सारी वैल्यूज़ एडिशन में आ रही है वाई टू से लेकर के वाई नाइन तक। एच कितना है, पाई बाई टेन, जीरो प्लस जीरो अपॉन टू हो गया, प्लस 0.3090 0.5878 प्लस 0.8090। फिर ये वैल्यूज़ जो हैं, अच्छा ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है 0.9511। अब ये वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है, टू टाइम्स हो गई, ये भी दोबारा रिपीट हो रही है, ये भी दोबारा, तो बार बार ऐड करने से अच्छा है इसको टू से मल्टीप्लाई हम कर लें। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई बड़े इजीली कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आंसर आपका आ रहा है इसको सॉल्व करके वो आ रहा है 1.9835। तो ये इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना है, बार बार आपसे रिपीट करके बोल रहा हूँ मैं, कि आप जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इसमें ज़रूर आएगा। अगर आप इसको जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर सही आने की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपकी आ रही है उसके सही आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेपेजॉइडल रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगा करके। एच निकालते हैं, 1-0 कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है यहाँ पर, 4 पार्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ इतने कम पार्ट्स, मैंने अभी आपको बोला था कि नंबर ऑफ पार्ट्स कम से कम 8 या 10 आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उतने पार्ट्स डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब की बात मैंने आपको बताई है वो। तो ये 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। तो यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 फिर 0.25 क्योंकि ये है, फिर अब इसमें 0.25 फिर ऐड करेंगे तो 0.50 0.75 और फिर आ जाएगा 1। जैसे ही आपको हाईएस्ट लिमिट मिल जाती है उसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। फिर से इसको कैलकुलेट करके आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। ई की वैल्यू 2.78 होती है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली वैल्यू है 1, ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की हुई है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ, 0.9394। फिर है 0.7788 फिर है 0.5698 एंड द लास्ट वैल्यू इज 0.3679। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगा देना है। तो देयरफॉर 0 to 1 ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एच पहली और लास्ट वैल्यू y नॉट प्लस y4 अपॉन 2, बाकी सारी वैल्यूज y1 y2 और y3। h कितना है, 0.25 1 प्लस 0.3679 अपॉन 2 प्लस 0.9394 प्लस 0.7788 प्लस 0.5698। इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको कैलकुलेटर से, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर जो अप्रोक्सीमेट आ रहा है वो आ रहा है 0.743।
इन्हीं क्वेश्चंस को आप आगे जो हमने सिम्पसन्स फॉर्मूला पढ़ना है उससे भी कर सकते हैं, सिम्पसन से आपका और एक्यूरेट आंसर आता है। तो ट्रेपेजॉइडल से कैसे आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है वो पहले बता चुका था मैं, और कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है वो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। ट्रेपेजॉइडल के और क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, कंसेप्ट उतना आपका उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा।